गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो संगेज की बुक अगर आपने शुरू कर दी हुई है तो उसके डाउट्स का अलग सेशन रखेंगे हम जरूर, यानी चैप्टर फिनिश करते ही ना तो विल हैव अ सेपरेट सेशन, ताकि मेडिकल वाले कुछ वो टाइम उनका वेस्ट ना हो, उनका मैं अलग से कुछ करूंगा। तो अभी अगर मेडिकल वालों को बिठा लेंगे बीच में, ताकि नॉलेज तो बढ़ी जाएगी ना, फायदा तो होगा ही। अभी इमीजिएट कोई डाउट्स है तो पोस्ट करो। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। ग्रेविटी के ग्राफ्स जो हमारी बात चल रही है, S stand for displacement। हाँ लतिका बेटा बिल्कुल, अभी करेंगे इसको। तो S stand for displacement और h height दोनों में एक ही बात गिनते हैं। तो और ये velocity, body projected up, और अपर डायरेक्शन को हमने ले लिया हुआ पॉजिटिव। यहां पे वेलोसिटी जीरो आनी है और यहां पे वापस यू से आ जाना। जब जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ये कोई नॉर्मल ग्राफ नहीं है, टाइम वाला ग्राफ नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट एक ही है, जिसको हम हाइट बोल रहे हैं एक ही पढ़ लेने। टाइम दो है, लेकिन उसी पॉइंट से गुजरते हुए जब ऊपर को जा रही है वेलोसिटी पॉजिटिव है, और उसी हाइट पे अभी हमने इसको ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट ये गिनी जाएगी। तो हाइट पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव ले लिया, और जो तभी एक ही दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ये पॉजिटिव डोमेन है, ये नेगेटिव डोमेन है। दूसरा वी का फॉर्मूला है क्या, यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस U square minus 2GH। तो इसका मतलब ये नॉर्मल को स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बताओ? यहाँ H और V का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। अगर होता ना V is equal to MH plus C, ऐसे कुछ, तो मैं कह देता स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ V है, वहां H रूट के अंदर घुसा हुआ है, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर घुसने की वजह से
दैट इज प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो u वेलोसिटी कब कब है बच्चों बताओ, एक बार प्लस u भी एक बार माइनस u भी है, उस वक्त हाइट कितनी है, उस वक्त हाइट कितनी है, जीरो। जीरो हाइट में दोनों वेलोसिटीज हैं, प्लस u भी और माइनस u। तो मैं आपको यहां पे, और जब h मैक्स है, जब हाइट h मैक्स हो गई है तो वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो। इसका मतलब यहां कहीं पे, और h मैक्स होता कितना है, u स्क्वायर बाय 2g। अभी मैंने बनाया नहीं रहा, पर जस्ट आपको दिखाने के लिए, यहां पे एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आना, समझते बात को। तो व्हाट यहां पे हम आपसे ड्रॉ करो पहले, मैं फिर बात करता हूं। तो इस स्टेप को मैं अपनी तरह से बहुत समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, कोई ग्राफ है अगर तो दो तरीके हमारे पास, कौन कौन से तरीके बताए, जो तो आपके नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स है, आपको प्लस वन में भी प्लस टू में मैथ में ग्राफ्स टॉपिक आएगा, आपको बुक खरीदने को बोल देंगे प्ले विद द ग्राफ्स यहाँ से कुछ, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें हैं, एक हिंट फिर भी दूंगा जाने से पहले। तो दूसरा तरीका कौन सा, कि थोड़े से दो चार डॉट्स लगाने पड़ेंगे, डॉट लगाओगे तो हो जाएगा यहाँ से, लेकिन फिलहाल ऐसे आप याद कर रहे हो। तो मैं वैसे आपसे पूछूं, ये जो ग्राफ बना है ये कौन सा ग्राफ है, वीएस या बीएक्स ग्राफ है, इसे हम जिसको हम एक्स बोलते थे पोजीशन, उसको हमने एस बोलना शुरू कर दिया, फिर एच बोलना शुरू कर दिया, हाइट बोलना शुरू कर दिया, एक ही बात है। तो डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन है, एक्सेलरेशन एक क्या होती है, ध्यान है किसी को, डीवी बाई डीटी, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको नहीं पता, और क्या होती है, VdV by dx, ये आपको पता है, ध्यान आ गया। हमारे इस केस में x की जगह पर हमारा h है ना, dv by dh, और यहां पे dv by dh इज बेसिकली dv by dx ही हुआ ना, क्या हुआ, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो acceleration is equal to velocity into slope, but हमारे इस केस में ये जो motion है वो कौन सा है, motion under gravity, तो ये काफी advanced बात कर रहे हैं ना, थोड़ी सी ना, बड़े बच्चे आप हो जाओगे। तो हमारे इस केस में velocity into slope should be equal to what, minus t, that should also be constant, इस पे चाहे 30 सेकंड ले लो, इस पे यस और नो करो, स्लोप हमेशा कांस्टेंट नहीं, यानी ये चीज हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आराम से देखो। तो यहां पे मैं यस की वेट कर रहा हूं, पहले तो ये समझ आ गया होगा, वेलोसिटी इनटू स्लोप इज एक्सेलरेशन, और इस केस में वेलोसिटी इनटू स्लोप इज जी, माइनस क्यों लगाया वो भी आपको पता चल चुका, अपर वेलोसिटी मानोगे, आई एम वेटिंग फॉर द यस और नो, राइट। आज के लेक्चर का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स प्लस वन प्लस टू के लिए हम ग्राफ को स्लोप्स के जरिए भी मापते हैं, देखते हैं उनका रफ आइडिया ले लेते हैं। चलो चलो बाकी भी, ठीक है चलो। अब ना यहाँ पे आपने क्या देखना है, मेरे साथ आओ ध्यान से, छोटे बड़े छोटे छोटे बच्चों की याद आपको
यहां इस पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें तो वो मैक्सिमम है ना, और स्लो पर भी कम है, और धीरे धीरे यहां आते आते यहां वेलोसिटी, ये कौन सा पॉइंट है पता आपको, यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां से यहां ग्राफ आते हुए वेलोसिटी डिक्रीज, हमें चाहिए वेलोसिटी इनटू स्लोप इज कांस्टेंट। मैं पता किस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं आपके साथ, दो ग्राफ दिए हैं, किसी कोई बच्चा ऐसा ग्राफ ही दे दिया रफली ऐसा, तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा ग्राफ तो प्रोबेबल ग्राफ है, इन दोनों में क्या हो रहा है देखना ध्यान से, इन दोनों ग्राफ में मेजर डिफरेंस क्या है स्लोप के बारे में, व्हाट इज हैपनिंग टू देयर स्लोप्स। अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं मैं सीधा सीधा नहीं चल रहा, आपको कुछ और सिखा रहा हूं, वन के केस में स्लोप को क्या हो रहा है और टू के केस में स्लोप को क्या हो रहा है ये देखना आपने। वन के केस में स्लोप पहले कम है फिर बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो वन के केस में स्लोप इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी तो डिक्रीज होनी होनी है जीरो की तरफ वन के केस में। टू के केस में देखो ये ना व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप, कम फ्लैट होती जा रही है, तो इस केस में टू के केस में स्लोप क्या हो रही है बोलो, डिक्रीज, और वेलोसिटी तो डिक्रीज हो ही रही है। इस केस में वेलोसिटी इनटू स्लोप को मिला दें, अगर स्लोप भी डिक्रीज हो रही है वो भी डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल डिक्रीज होती जाएगी, इट कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। मेरा मन ही कर गया मैं क्या थोड़ा और एडवांस पतियां भी बताई दूंगा, ये बात सबके दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है, इस केस में क्या हो रहा है एटलीस्ट स्लोप इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस दे मे बी डूइंग इन सच अ मैनर, और ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया हमारा, इस केस में एक डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट उनका शायद कॉन्स्टेंट हो, तो वेलोसिटी डिक्रीज इनटू स्लोप इंक्रीज, तो पॉसिबल ग्राफ्स, टू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, समझने समझने के बाद, क्योंकि ये नहीं कि ग्रेविटी, तो ये एक आपका एडिशनल पॉइंट हो गया, आप कल को मैथ पढ़ो या फिजिक्स में भी कभी कभी हम तो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम हियर, कि अगर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं और अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना है दोनों में से, एक तो उनकी इनिशियल वैल्यू कितनी होती है वो इनिशियल पॉइंट जान लो, एक फाइनल पॉइंट पता कर लो, लगे पता दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस, तो बड़ा फायदा रफ आइडिया मिल गया मुझे कि यार एच जीरो पे वी वेलोसिटी मैक्सिमम के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, एच मैक्सिमम जहां एच मैक्सिमम हो गए वहां वेलोसिटी जीरो हो गई, तो दो पॉइंट कट मिल गए, तो मतलब तीन चार ऑप्शन दिए ना हमें मान लो पेपर में टेस्ट में, तो अब फिर एक किसी में ये बना रखा है किसी में स्ट्रेट लाइन बना रखी है किसी में ये बना रखा है, तो बच्चों वीडियो क्वालिटी का देना यार कोई इशू आ रहे हैं वीडियो में, अदर इज फ्रीज हो रहा है ऐसा कुछ, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स यस और नो में पॉइंट, मतलब कभी बीच में अचानक रुक के फास्ट चलना शुरू हो जाए या कुछ कोई अब्रप्ट कोई और बच्चा, एक्चुअली आज मेरा ना मोबाइल वो जो मेन वाला है वो नहीं है मेरे पास, बिल्कुल बताना चाहिए आप, एक तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा सभी को कि आप ना बताते नहीं हो, बट इट्स फाइन, आप मुझे आपका मुझे बताना इसलिए जरूरी है बच्चों, मैं ना ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इट विल बी फेवर फ्रॉम योर साइड, Can we also set the possible restriction using upper parabola? नहीं सेम नहीं यहाँ पे नहीं, ये कर सकते हो लेकिन वहां दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, मैं ये ऐसा चली v versus h parabola नहीं बोल सकते हो,
अगर एच वर्सेस वी करेंगे वो फिर उल्टा पैराबोला आएगा, वो मैं उधर उसने जाना चाह रहा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला नहीं है ये, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला पैराबोला, तो इतना डीप मैं नहीं जाना चाह रहा, वो थोड़ा बहुत आप मैथ में सीखोगे तो, और तब अब तब तक आप ब्लर तो है थोड़ा, मतलब मैनेज होना अलग बात है, होल्ड करना पिक्चर। चलो जो भी बेस्ट पॉसिबल है वही रखते हैं उसको। चलो ठीक है, नॉट गोइंग फॉर आइडियल, दोबारा भी रिकॉर्ड हो जाएगा। राइट फाइन ठीक है, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चंस मतलब पुराना एडिटिंग आ चुका है, मे बी ड्रॉप वाले मेथड से कहीं से, तो ये आपको हो गया। अब हम कर रहे हैं एक और, एग्जांपल फिर हम चलेंगे रिलेटिव मोशन पे। Body drop from height h and rebounds from ground. Without any loss of energy. तो ये ideal situation होगी। अगर loss of energy नहीं होगा और rebound भी हो रही है तो वो हमेशा ही up and down करती रहेगी। तो हमारा t is equal to zero ये set हो गया ना, ball आई यहां पे, इसके पास maximum velocity आ चुकी है, और आइडियली फिर ये हमारे फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं बच्चों, कोलिजन टॉपिक है, लेकिन आप इतने बड़े हो कि अगर उसने लिख दिया भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो फिर आई और फिर उतनी स्पीड से कॉपी चलेगी, तो ये आइडियल कोलिजन के क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप उस पे जाएगी, फिर यहाँ पे स्टॉप हो गई, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर। तो एक तो इसकी हाइट एच भी हुई है, अगर मैं इस टाइम की बात करूं कितने टाइम पे यहां पहुंचा, रूट टू एच अपॉन जी टाइम उसके ऊपर से नीचे आने में लगा, और वेलोसिटी की बात हो रही है, मैं यहां पे वीटी ग्राफ बनाऊंगा,
अब उसने पॉजिटिव किधर को लिया है, नेगेटिव किधर को लिया है, वो ग्राफ्स में अंडरस्टूड होगा या गुड क्वेश्चन विल टेल यू, आपको बताएगा। दोनों दोनों सिचुएशंस होंगी, अगर साइन आपको खुद जज करना होगा तो आंसर एक होगा, राइट? तो साइन के इंडिपेंडेंटली मतलब दूसरे तीनों ग्राफ गलत दे देगा वो वहां पे। तो अगर आप उसने खुद ही बता दिया आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, फिर तो आप वैसे परवाह मारोगे। तो लेकिन एक बात मुझे पता है कि टाइम जीरो हमने कभी ड्रॉप्ड वर्ड है, ड्रॉप किसी हाइट से होता है, तो ड्रॉप वर्ड का मतलब टी जीरो पे जो उसकी वेलोसिटी है ना वो जीरो है, ये बात पक्की है। इसका मतलब ग्राफ होना हो स्टार्ट ये से होना है, तो कहीं यहां से वहां से स्टार्ट नहीं होना। अब मैंने ग्राफ को और ये भी पता वेलोसिटी आते आते बढ़ जा रही है, अब ग्राफ को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन हमने कौन सी दी हुई है, किसको पॉजिटिव लिया किसको नेगेटिव लिया, पॉइंट। तो मैं फिर वो काम कर दूं जिसपे जहां जितनी जान लग रही कोई फर्क नहीं है, अगर उसने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है तो यहां आते आते ये वेलोसिटी मारी, तो मैं बाकी वाले बिठा रहा हूं बच्चों यहां पे ना फर्दर। और इसे वी नॉट नाम दे रहा हूं, वी नॉट से हिट करी और एकदम से वी नॉट से रिबाउंड करी। तो अगर मैं डाउनवर्ड वेलोसिटी लेता हूं तो ये मुझे पॉजिटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी और ये कौन सी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, और अल्टीमेटली धीरे 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 फिर ये जीरो चली जाएगी। और मुझे पता है क्योंकि यहां वी टी ग्राफ बना दिया है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब प्लस आए माइनस आए, नो डाउट इस केस में जो डाउनवर्ड मोशन में है वो जीरो प्लस जी टी, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो थोड़े टाइम बाद ये टाइम कितना टाइम, रूट टू एच अपॉन जी टाइम पे ये ग्राफ, ये टाइम है, मुझे पता टाइम इतना हो गया। अब व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी एरेगा और कांस्टेंट टैन थीटा विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन व्हिच विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस जी, जी तो माइनस नहीं होता, मानो किसने बोला आपको, होता आता कुछ नहीं है ना, याद आ गया, यस मैं आपको ड्रामा कर देता, होता आता कुछ नहीं है, इस बार हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है तो जी भी जी जी डाउनवर्ड ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जी जी डाउनवर्ड ही होता है, और इस बार पॉजिटिव लिया है तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड प्लस जी। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है बच्चों, वैसे बड़े दिनों से इंपॉर्टेंट चल रहा है, शुरू से इंपॉर्टेंट चल रहा है, सभी फंडामेंटल सीख रहे आपको, तो क्योंकि जी कांस्टेंट है। अगली बात बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों नोट करनी है आपने, यहां पे दो बातें, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन ये कि डेल्टा टी इज जीरो, रियलिटी इम्पॉसिबल है सर, कि वो आया और ऐसे एकदम वापस हो गया, राइट? तो अभी हम आइडियल वाला कर रहे हैं, फिर उस पर हल्का सा आइडियल से नॉन आइडियल भी करेंगे, पहले आइडियल। तो फिर क्या करना है, हमने अभी वेलोसिटी पॉजिटिव थी और झटके से नेगेटिव हो गई, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी है हल्की सी, डिसकॉन्टिन्यूटी वर्ड पे कोई ऐसी बात नहीं है, इसी टाइम ये पॉजिटिव थी ना और ये माइनस नेगेटिव, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने जा रही है बोलो, इट इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, जीरो, मूविंग टुवर्ड्स जीरो, ग्राफ की शक्ल देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी से ग्राफ होते हैं ना उनको ध्यान से देखना पड़ता है, नेगेटिव वेलोसिटी इज नॉट लेस, नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स हमने पढ़ने हैं, लेकिन मैंने उनके लिए आपका दिमाग में बैठा दी बातें,
जो वेक्टर क्वांटिटीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होना ग्रेटर या लेसर नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज का पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन। पॉजिटिव वेलोसिटी अगर ईस्ट को है तो नेगेटिव वेलोसिटी वेस्ट को है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं +5 मीटर पर सेकेंड और -5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि माइनस वाली छोटी है हम, लेकिन मैथ में क्या पढ़ते हैं, नो स्केलर क्वांटिटी की बात होती है कि -5 इज लेस देन +5। वेक्टर्स में प्लस और माइनस लेस नहीं होते, वो ऑपोजिट होते, साइन ऑपोजिट होते हैं। इधर आओ मेरे साथ फिर, यहां बल्कि इस पॉइंट पे जो -V0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम जितनी, डायरेक्शन नेगेटिव। और ऐसे ऊपर को जा रही है तो अगर मैं छोटा बच्चा हूं तो बोलूंगा हाँ ये तो इंक्रीज कर रही है, ना भैया ना, इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, बिकॉज यहाँ आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। समझ हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब सिमेट्री की वजह से उसको ऊपर जाने का टाइम भी, हमने वेरिएबल कौन किसको ले रखा है, √2, मतलब एच एच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है ना, तो हमने यहाँ पे भी 2 टाइम्स, इसे मान लो मैंने टी बोल दिया, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे दिया, तो यहाँ पे बार बार हिलने की बजाय ये 2T टाइम आ जाएगा। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इसकी स्लोप ये इसके पैरेलल आना चाहिए पैरेलल में, बिकॉज ग्राफ जहां मर्जी जाए वो ऐसे ही जाना ऐसे ही, बिकॉज स्लोप हैज टू बी इक्वल टू VT ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन। अब आगे क्या विचार है, यहां से आगे दोबारा नीचे को आना शुरू हो गया, नीचे को आते ही वेलोसिटी कैसी होगी बोलो, पॉजिटिव। यहां इतना ध्यान दो, इस डोमेन में यहां वेलोसिटी क्या चल रही है अभी तक, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, 0 आ गई। इसके जब डाउनवर्ड आ जाएगी तो फिर वेलोसिटी पॉजिटिव, वहां 0 टू लेके कहां तक, V0 तक, ये भी दोबारा वही पानी, ये V0 आई है तो झटके से V0 ऊपर को। तो ऐसे पैरेलल ग्राफ्स आपने बना देने, समझना भी है फिर याद भी करना है, ये 2-4-5 ग्राफ हैं तो JEE में आ सकते हैं, नीट में तो उसके साथ आ ही सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो ये समझने के बाद हमने इसको आगे एक्सटेंड करना है। तो एकदम से फिर नेगेटिव हो गई विद इन नो टाइम, इसी के होते हुए अगर हमने प्रैक्टिकल ग्राफ, और प्रैक्टिकल भी एग्जैक्ट प्रैक्टिकल तो नहीं, चल थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के नजदीक आ जाए, अगर यहां Δt 0 ना होता तो हम कह सकते हैं मेरे मेरे साथ है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी through 0 बड़े कम टाइम में। कैन यू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, तो मैं यहां जाके रहता हूं बच्चों, थर्ड ग्राफ को मारता हूं गोली, आपको पता तो चली गया ना। तो डोंट फॉरगेट माई मेथड ऑफ स्टडी की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप जितने भी बच्चे हो सभी को समझ आ रहा है, लेकिन देर पे भी अपनी अपनी लर्निंग है ना, कई बार समझ आ चुका है, कई बार ये भी लगता है कि समझ आ गया लेकिन पूरा समझ नहीं आया होता, चीजें टेढ़ी हैं अगर, तो उसे फिर मैं घर जाके जब दोबारा लेक्चर, तो लेक्चर रिवाइज करना है इसको आपने कभी भी। अब आपके पास बुक्स बुक्स हैं, दो दो SL पड़ी हुई है, संगेज की बुक्स पड़ी है, तो इस हरी में नहीं रहना हमेशा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ, डिजास्टर राइट। अगर आपका दिल कर रहा है मोशन ग्रेविटी के ग्राफ बने होंगे वहां पे है ना, तो आपको दिख भी गया ना आंखें बंद कर लेनी, कहना मैम नहीं करना भी, सर ने इस टॉपिक को तो क्लोज ही नहीं किया अभी, अभी इस पे लगे हुए हैं। जैसे कल की बात मैं बताऊं आपको, जैसे कल मान लो मैंने मोशन ग्रेविटी का ग्राफ करवाया और आप बुक अपने आप खोल के कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन आगे होल्ड किया हुआ है तो जब तक कॉपी वाला रिवाइज नहीं करेंगे अच्छी तरह उनको भी छेड़। तो बात चल रही थी कि अगर यहाँ पे Δt 0 ना हो टाइम ऑफ कोलिजन, सिमिलर ऐसे ग्राफ आ जाने हैं,
थोड़ा सा टाइम का गैप दे देना उसमें ऐसे नॉर्मली, और इसको ऐसे अभी बनाना मत आप लोग। ये टी टाइम है, थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ जान बूझ के, टी प्लस डेल्टा टी। अभी कुछ और बनाना, यानी कि ये जो गैप मैंने बनाया एज आई टोल्ड यू, बनाना मत ही कुछ समझो बस। ये डेल्टा टी टाइम में मिली है, उतनी देर में वेलोसिटी पॉजिटिव से, यानी कि यहां पे जो अब मैं नया ड्राइंग बनाने का वो नहीं है, तो ये समझो पॉजिटिव वी नॉट से नेगेटिव वी नॉट होने में, तो डेल्टा डी इज अ टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट, उतनी देर में ये वेलोसिटी शार्पली यहाँ गुजरी है। नोट करो ये कि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव गई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कभी ना कभी पहले ऐसे ऐसे कोलिजन हो रहा है, एक्चुअली ये कंप्रेशन होगा इसका, बाकी बातें रेस्ट पे आएगी फिर ऊपर को नेगेटिव। ये किससे गुजरी है बोलो, पॉजिटिव से अच्छी मेरी कम आई, कम आई वेरी फास्ट, इसे और स्क्वीज कर देंगे डेल्टा डी होगा ना तो बड़ा नजदीक आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी कहां से गुजरी है, शाबाश। तो बाकी से बाकी क्यों आ रहा है, इसमें स्लोप कुछ और आ रही है, लेकिन अब वही कहानी है सिमिलर। हमें आगे पता है, आगे हमने इसका इसी का पैरेलल स्टोरी बनानी, मेरे से बने या ना बने आपने देखना ठीक ठाक। फिर उधर तो ये टाइम भी टी लेना आपने और ये टाइम भी टी, थोड़ा हाई फाई सा क्वेश्चन बन गया, दैट इज क्लियर। इसका और प्रैक्टिकल ग्राफ, और प्रैक्टिकल ग्राफ ये है कि यहाँ पे जो है शार्प शार्प एजेस किसी भी ग्राफ के नहीं हो सकते, सोचो क्यों, ये बता रहा है कि एक ही पॉइंट पे दो दो शार्प एजेस दो दो स्लोप ले सकते हैं, पर डिफाइंड ही नहीं है। मैं इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, अभी स्लोप पॉजिटिव थी अभी स्लोप नेगेटिव हो गई, तो ये फिर भी पॉसिबल है। ये ऐसा क्वेश्चन अभी तक मतलब मोस्टली नहीं है, लेकिन नॉलेज दे रहा हूं तुम्हें। शार्प का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे पॉजिटिव स्लोप थी एक ही टाइम पे नेगेटिव स्लोप थी, वो पॉसिबल नहीं होता, ये एडिशनल है। दूसरी बात क्या है कि वीटी ग्राफ की स्लोप चेंज हो गई है, जो वो व्हाट इज हैपनिंग, इस टाइम पे जब कोलिजन हो रहा था ना, आ रही थी जा रही थी, इस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जी। ऐसा क्यों, जब तो हवा में थी, अभी लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा नहीं, नहीं तो भी मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, तो जब हवा में थी तो उसको सिर्फ एक फोर्स ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, उसी की वजह से एक्सेलरेशन जी होती है। जब वो ग्राउंड से टच कर रही है ना, तो ग्राउंड से टच करती हूँ, ग्राउंड उसको थप्पड़ मार रही है जोर से ऊपर को मारा होगा थप्पड़, क्यों नहीं मारा, ऐसे उसको रोक आ रही थी नीचे, रोका ऊपर धकेल दिया, ये हमारा लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है। तो फिर ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इसको एफ जी भी लग रही है, जी ग्राउंड मतलब ग्रेविटेशन भी लग रही है, तो बॉल मे बी एक्सपीरियंसिंग सम नेट एक्सेलरेशन। और वैसे एक्चुअली उस वक्त ये इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं, मोमेंटरी फोर्सेस, कोलिजन वाली फोर्सेस काफी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटी उस वक्त। कल की आपको अगर एग्जांपल याद हो ना, रूट टू ऐसे नीचे आया और एवरेज एक्सेलरेशन पूछी हुई थी, याद आ रहा किसी को, तो हमने तब किया था ऐसे बॉल आई, ऐसे बॉल गई एंड एक्सेलरेशन वाज रूट टू जी एच वन, रूट टू जी एच टू और नीचे डेल्टा टी, और डेल्टा टी मैंने 0.1 सेकंड लिया था। डेल्टा टी बड़ा कम होने से एक्सेलरेशन काफी ज्यादा आ जाती है। कल का कोई बच्चा अगर शेयर करे ना एग्जाम्पल वाली, उसमें पता शायद वैल्यूज हमने भरी नहीं होगी,
कोई इशू नहीं, छोड़ो। तो इसलिए यहाँ पे क्या बातें कर रहा हूँ मैं कि ये स्लोप कुछ और ही है और ये स्लोप उसकी एवरेज एक्सेलरेशन देगी ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं इसे मैं थीटा डैश बोल दूं, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग ड्यूरिंग, तो आज का लेक्चर हमारा ऐसा लेक्चर है जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो तो बहुत ही रिफाइंड बातें हैं। कोलिजन के एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग कोलिजन विल बी व्हाट, कम ऑन, टेन थीटा डैश एंड दैट मे बी अल्फा, ये भी टेन अल्फा। कन्वेंशन भी ठीक होगी बिकॉज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन थी, अब उसकी अपर डेप्थ को भेजा होता है ऊपर को, तो दैट इज अ स्टोरी अबाउट दिस, राइट। इसका अब अगला क्वेश्चन पता क्या है, अगला नॉन आइडियल क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला गया कि कोलिजन इज परफेक्ट हाई इलास्टिक कोलिजन इसे बोलते हैं, कि जितनी स्पीड से उतनी से रिबाउंड हुई। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी स्पीड से आएगा रिबाउंड वैल्यू से थोड़ी कम होगी, अगर कम हुई मैं थोड़ा, और दोनों बातें मिक्स होगी, डेल्टा डी भी जीरो नहीं है और रिबाउंड सेम से नहीं हो रही, तो ग्राफ ना छोटे होते जाएंगे, छोटे कैसे, यहाँ वी नॉट था, यहाँ लेके आना था माइनस वी नॉट पे, लेकिन माइनस वी नॉट थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, यहाँ ऊपर फिर जब ऊपर गए बराबर रखा था, हर बार थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ग्राफ ऐसे ही बनेंगे या इसके जैसे, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे छोटे होते जाएंगे। तो मैं जब तक बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, आप कॉपी में थोड़ा सा काटना पड़ जाए, रॉन्ग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कॉपी पे अपनी कोशिश स्टार्ट करो, वो ग्राफ कैसा होगा इसमें बॉल आफ्टर सम टाइम लूजेज इट्स वेलोसिटी, बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी विद ईच कोलिजन, बनाओ ग्राफ। मैं नहीं बना रहा, नो भी एयर रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ, कोई यहाँ मैंने क्या किया, वी वन से आई, वी टू से चलेगी आई, फिर वी टू से लेगी वी थ्री से लेगी, यानी जितना मैंने ये लिया वो उससे कम लूंगा। और इधर माइनस वी टू, स्लोप वही इस बार की स्लोप क्योंकि ये ग्रेविटी होती है, और अब वी टू से गई थी जब रीबाउंड हुई तो वी थ्री हो गया, ये माइनस थ्री प्लस है और यहीं पे मुझे
अच्छा हमें बनाने में टाइम लग रहा है, ग्राफ आपके सामने होंगे तो पहचान लूंगी, एबीसीडी ऑप्शन ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम देख नहीं रहे ग्राफ में, वहां दिए तो हुए नहीं हमें, तो हमारी जान ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा अपडेट हो गया। तो धीरे धीरे और छोटे, बेसिकली सेट ऑफ पैरेलल लाइंस और छोटा होता जाएगा। तो यहां पे अगर मैं रफ सा ग्राफ बनाऊ ना, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब रफ सा बना दिया मैंने, तो ऐसे ग्राफ बने होंगे। वो मैंने वो वाला इस पर टाइम नहीं दिया, तो मैं अगर इसको हटा दूं ना बीच में से, आपने हटाना मत, तो पिक्चर जाता, ये छोटी लाइन हो गई, और छोटी थोड़ी देर जाके और छोटी, आगे जाके और छोटी, क्या गुड, वेरी गुड। तो ग्राफ सी में फेस मोर ग्राफ्स एज वेल, लेकिन वो आप हम करते रहेंगे। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, समय का बड़ा अच्छा उपयोग है सिंपल मैथमेटिक्स करते हुए, मोशन अंडर ग्रेविटी विद एयर रेजिस्टेंस। अनंदी का बेटा आपके डाउट्स हैं तो अगर ना भी आज हो पाए मोड डाउन, ठीक है, कल तो कल का टाइम ही देता हूँ, दोनों दोनों में से कर लेते हैं, मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल टॉपिक भी करना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको 15 मिनट जुडिशियसली यूज करना चाहता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस, वो भी आइडियल केस थोड़ा सा। लिखते जाओ, मतलब क्या है कि अगर बच्चों हवा चल रही है, यानी एयर है, नहीं हवा नहीं चल रही, एयर है, और एयर में कोई बॉल मूव कर रही है इधर को, ये उसकी वेलोसिटी है, तो नेचुरली एयर उसको इधर को पुश करेगी, जस्ट लाइक वी आर गोइंग ऑन बाइक, यार बाइक पे जा रहे हैं, हवा लग रही है तो क्या कर रही है हमारे मोशन को अपोज, अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो एयर रेजिस्टेंस भी चेंज कर लेगी। तो अगर कोई बॉडी इधर को जा रही है तो उसको फोर्स इधर को लगेगी, बिकॉज एयर ने इसको अपोज कर रहा है। तो बड़ी जानने लगा इस पर, तो कॉमन साइंस का टॉपिक है, लेकिन किसी को ना पता चले वो अलग से पूछ कर। फिर यहाँ पे ये भी बताओ, बॉडी जब ऊपर जा रही है राइट, तो अब इसमें हमने पता है क्या क्या करते हैं, मतलब ये ले लें, लेट ए बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज सिंबॉलिक, रिटार्डेशन होगी बेसिकली, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। फ्यूचर में ही आएगा, जितनी फोर्स जितनी वेलोसिटी ज्यादा है ना उतनी एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ये, लेकिन फ्यूचर में आना है, लेकिन उस लेवल में क्वेश्चन अभी ये नहीं बनना, वो चैप्टर ही आएगा, उसमें पूरा टॉपिक होगा आधे दिन का, मतलब आधा लेक्चर होगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप मान लो जो एयर रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन दे रही है, रादर रिटार्डेशन दे रही है, वो कॉन्स्टेंट है, असम्पशन है। बॉडी हमने नीचे से ऊपर को जा रही है, अगर ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही है,
हमने कहा ना जी तो उसको लगी रही थी, अब वेलोसिटी ऊपर होने की वजह से उसको जी के अलावा एक और एक्सेलेरेशन मिल रही है, नो डाउट रिटार्डेशन। इसपे इन दोनों चीजों पर ना यस और नो करनी है किसी भी बच्चों ने। फिर ये बॉल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ रही है, ये अलग केस है, बॉल का मोशन नीचे को। अब आपको, अब मुझे इतना थोड़ा सा भरोसा सा है कि आप लोगों पे, अब आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज समथिंग एल्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज समथिंग एल्स, वो कोई और चीज होती है। सेम है, अपोजिट हो जाए बात अलग है, लेकिन बातें अलग अलग है ना। तो अगर वेलोसिटी नीचे को है, जी तो वेलोसिटी से पूछता नहीं, जी तो ग्रेविटी है, लेकिन वेलोसिटी नीचे को तो एक इधर को होगी, एक इधर को अपवर्ड। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, जब बॉडी ऊपर जा रही थी, तो इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जी प्लस ए। अब इस केस में ए जी से बड़ा नहीं हो सकता, कोई बॉडी तो अल्टीमेटली नीचे आ रही है। इस केस में ए इफेक्टिव विल बी जी माइनस ए डाउनवर्ड। डोंट बी इन हरी, टेक 1 मिनट, बट विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर यस हो जाए। इसका मतलब बॉडी जब ऊपर प्रोजेक्ट करी हुई है अंडर द गिवन अजम्पशन कि ए कांस्टेंट है, तो उस केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन मिल रही है इसको, रादर इफेक्टिव रिटार्डेशन जो मिल रही है वो जी प्लस ए मिल रही है। और इसकी बात करें तो ये आ नीचे रही थी, जी इसको एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन बेचारी को जी एक्सेलरेशन नहीं मिली, हवा उसको रोक रही है नीचे आने से। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो उसे मिली वो जी माइनस से मिली। फटाफट यस और नो करो, ताकि फिर इसके बाद तो फॉर्मूले लगाने हैं हमने, वो आपको याद होना हो मैंने लगा देने फटाफट। गुड, बस ठीक है। दो, अब हम ये अनब्रोकन मोशन नहीं ले सकते, अब हम इसको सिंगल मोशन जाने और आने का नहीं ले सकते। क्यों? क्यों कि जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कुछ और है, नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कुछ और है, इसके साथ फिर कुछ और ही करना पड़ना है। किन किन चीजों में इंटरेस्ट है ये हमारा? मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा ये, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, और अब आपको पता है कि यहां पे हमारे पास, इसे मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं जी इफेक्टिव, जी प्लस ए है, तो ओ टू ए मोशन में एच मैक्स याद है किसी का होता है। मैं वो फॉर्मूले नहीं लगाना चाहता ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू वे एस, यू स्क्वायर बाय 2 जी होता है ना जी की जगह पे, टाइम ऑफ असेंट वैसे क्या होता है, यू अपॉन जी होता है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले साइन कन्वेंशन के बाद ही आए थे, तो उसमें आपने इसको एज इट इज हमने कर दिया। अब बात हुई मोशन ए टू बी लेना, अब यहां आते आते वेलोसिटी रीच की वेलोसिटी यू के बराबर नहीं होगी, ये सोच लो आप, और जितनी हाइट अचीव होनी थी उतनी हाइट अचीव भी नहीं हुई, और नीचे आने की वेलोसिटी, और या दूसरे वे में कह सकते हैं देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, राइट। तो जाने की स्पीड और आने की स्पीड इस बार सेम नहीं, और ए टू बी मोशन में टाइम ऑफ डिसेंट दो चीजें हमारा इंटरेस्ट है, एच मैक्स तो वही है लेकिन वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड वो कौन सी है। तो क्योंकि नीचे आने की जो एक्सेलरेशन है जी इफेक्टिव इस केस में वो जी माइनस ए है, तो ए टू बी मोशन कौन सा मोशन है, ड्रॉप वाला। तो मैं यहां थोड़ा बोर्ड पे ले आता हूं,
जी माइनस एट, तो ए टू बी में टाइम ऑफ डिसेंट विल बी रूट टू एच अपॉन जी होना था, लेकिन अब जी नहीं है, जी माइनस ए। इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे, एच मैक्स की वैल्यू यहां से वहां पुट करो, एक बात तो पक्की होगी, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। एक काम, आप काम कर रहे हो, मैं पानी का एक घूंट पी रहा हूं, टी डी को यहां से पुट करो ये वाला, और टी ए को यहां पुट करो, ये रेशियो निकालो कितनी आ रही है। तो हर स्टेप पे एक क्वेश्चन है बच्चों, मैंने थोड़ा सा अपनी फ्यूचर लाइफ पहले आसान कर ली है। एक स्टेप मैंने खा लिया यहाँ पे। मेरे पास दो तरीके थे वैसे, तो आप अपनी मर्जी से करो, मैं मेरे लिए इजी है। तो आपको थोड़े छोटे बच्चे मान रहा हूं यहाँ पे, स्टेप्स इंक्रीज करता जा रहा हूं जो आप अपने आप कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर ये मत सोचना कोई आर्टिकल चल रहा है, डेरिवेशन चल रही है, हर स्टेप क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है कि जी प्लस ए जी माइनस ए से बड़ा तो ग्रेटर देन वन हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। रीजन है कि रुक जल्दी गई बॉडी वो, नहीं जब नीचे आने लगी तो जी ने लेके आना था, जी जल्दी ले आती है उसको, लेकिन उसको आने में टांग कौन अटका रही है, एयर आने नहीं दे रही उसको नीचे। तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया। अब अगला काम फटाफट कर दो, वी निकालो।
ड्रॉपिंग वाला केस है, ड्रॉप किया हुआ है, v क्या होता है रूट टू जी एच। अगेन एच मैक्स कितना निकाला था हमने, कोई गलती लग रही दिमाग में ना, हाँ वही मैंने कुछ आंसर गलत आ रहा है, देयर आर समथिंग मिसिंग। क्या गलती कर रहा था मैं यहां पे जी ही ले रहा था, जबकि जी नहीं ले रहा, जी की जगह पे क्या ले रहा है जी माइनस ए। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड रूट टू जी इफेक्टिव इनटू एच मैक्स, और जी इफेक्टिव कितनी है, छोटी सी गलती जी माइनस ए है ना, तो ये यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए, वो वहां से उठा लिया हमने, तो अब मैं इसे सेफली मिटा सकता हूं। सिमिलर सेट जो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट की रेशियो है वो उसकी ऑपोजिट, तो आज के लिए कुछ इतना ही है, नदी का बेटा फिर कल लेते हैं डाउट्स, राइट सॉरी। तो अब आप मेरी तरफ से ग्रेविटी का टॉपिक खत्म है, तो चाहे आप संगेज कर रहे हो चाहे कहीं पे कर रहे हो यू में फेस, तो खत्म कर दो सारा टॉपिक फटाफट मैक्सिमम, राइट। तो कल हम डाउट करेंगे आपके संगेज वाले भी ले आओ, तो चाहे नॉन मेडिकल मेडिकल इकट्ठे डाउट करते हैं कोई बात नहीं, कल वो कर लेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द मोशन रिलेटिव मोशन। तो कल डाउट लेते हैं, गुड नाइट फॉर टुडे। एक बार छोटी सी अगर बोल सके तो डू पोस्ट उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दो डाउट्स आज, हाँ जितने आप करे हुए तो ग्रुप पे करो, आप भी बेटा अगर हो तो उसमें करो और बाकी बच्चे भी।